नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नवंबर माह में मसूरी की जनता को दी जाएगी बहुउद्देशीय टाउन हॉल की सौगात। प्रत्येक मंगलवार को एमडीडीए से संबंधित मामलों पर की जाएगी सुनवाई। हरिद्वार की नामी सोसाइटी जुर्स कंट्री पर लगे गंभीर आरोप। फ्लैट खरीदते समय दी जाने वाली सुविधाएं न मिलने से नाराज लोग सोसाइटी के बाहर ही बैठे धरने पर। केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे अल्मोड़ा, कहा आगामी विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। उत्तरकाशी में बढ़ती महंगाई और डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण ने कहा, सत्ता में बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की सरकार है बैठी। पर्यटक स्थल गनहिल में नगर पालिका परिषद सभासद गीता कुमारी के नेतृत्व में चलाया गया सफाई और वृक्षारोपण अभियान। सभासद द्वारा किया गया इधर उधर कूड़ा न फेंकने का आग्रह। बेरीनाग में पुल निर्माण न होने पर पिथौरागढ़ के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जगत खाती ने किया आक्रोश व्यक्त, कहा शीघ्र पुल का निर्माण नहीं होता है तो करेंगे धरना प्रदर्शन। फिर हमलावर हुए नेता प्रतिपक्ष, कहा सीएम धामी है नाइट वॉचमैन और सबसे कमजोर खिलाड़ी। आईपीएल में सट्टा लगाते 3 व्यापारी समेत 4 गिरफ्तार। आरसीबी और केकेआर पर लगाया था 2 लाख की बेट। यशपाल आर्य के बेटे विधायक संजीव आर्य की वापसी पर कांग्रेस में शेयर लेने की मची होड़। पूर्व सीएम हरीश रावत नेता प्रतिपक्ष सोशल मीडिया पर हुए एक्टिव। कोरोना के बाद डेंगू का डंक, हरिद्वार में बुखार से नाबालिग की मौत, दून में 50 से पार पहुंचा आंकड़ा। किसान नेता राकेश टिकैत ने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग, नहीं होने पर दी बड़े आंदोलन की धमकी। विजय रथ लेकर कानपुर से हमीरपुर बढ़ रहे हैं अखिलेश, बोले यात्रा से प्रदेश में फिर आएगा परिवर्तन। मुख्यमंत्री आवास के सामने मेनपुरी में युवक ने पिया जहर, सपा नेता पर प्रताड़ित करने का लगा आरोप। बुलंदशहर में बेटों ने मिलकर की थी बीएसएफ हेड कांस्टेबल पिता की हत्या, शव को गांव के ही कुएं में डालकर ढका मिट्टी से। जौनपुर में ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का इंजन हुआ बेपटरी, प्लेटफॉर्म संख्या 2 से ट्रेनों का आवागमन बाधित। कम समय में बिजली घरों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे ने कसी कमर, मालगाड़ियों को सुपरफास्ट ट्रेन की तरह दौड़ा रहा रेलवे। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में अंतिम अरदास में किसान नेताओं ने रोका प्रियंका गांधी का संबोधन, कहा नहीं साझा करेंगे अपना मंच। बांके बिहारी की नगरी से शिवपाल का चुनावी शंखनाद, 101 ब्राह्मणों से लिया आशीर्वाद। मेरठ में दिन दहाड़े डाका, फाइनेंस कंपनी में घुसे बदमाश, 50,000 की नकदी, ज्वेलरी और मोबाइल फोन लेकर हुए फरार। और नहीं होगा अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन, चाचा भतीजा ने एक ही दिन अलग अलग जगह फूका चुनावी बिगुल। सुर्खियों में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।